तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं अमूल की तरफ से आने वाले अमूल चॉकलेट सिरप लेके आ गया हूँ। तो इसके टेस्ट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, क्या आपको कंज्यूम करनी चाहिए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा, इसके MRP के बारे में बताऊंगा, इसके नेट वेट के बारे में बताऊंगा और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये अमूल की तरफ से आने वाला चॉकलेट सिरप 10 रुपये में आपको मिल जाती है, 30 ग्राम में जो इसकी नेट वेट मिल जाती है, बहुत ही अच्छा है। और अगर बात करें कि इसकी वैलिडिटी की, तो जो 9 मंथ की जो इसकी वैलिडिटी होती है। और अगर बात करें कि इंग्रेडिएंट की, तो आप देख सकते हो इन्वर्ट सिरप इसमें मिल जाता है, शुगर मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, कोका मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको जो इसमें मिल जाती है। पीछे के साइड में आप देख सकते हो और गुजरात से बनकर ये आते हैं। तो चलिए इसको पैकेट को फाड़ते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह की होती है और कैसे आप खा सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको पैकेट को फाड़ते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये सिरप किस तरह की होती है। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये पैकेट मैंने फाड़ दिया और ये रहा चम्मच। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये सिरप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, खाने में टेस्ट लग रही है और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। ठीक है, जैसा कि आपको मैं नज़दीक से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से ये देखने में लगती है। आप इसे जो है ब्रेड, चॉकलेट, केक, ये सारी चीज़ें में लगा के आप इसे खा सकती हैं। इसके टेस्ट की बात करें तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मीठा लगता है और कोका का फ्लेवर आता है, जो बहुत ही टेस्टी इसे बना देता है। आप इसे जो ब्रेड, रोटी, ये सारी जगह पर जो आप लगा के इसे खा सकते हो, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये थी वीडियो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग होती रहती है।